Everyone, good afternoon. Hope you all good and hope you have seen my last video. In that we started chapter number 13, Industries of India. We have already learned about the different things which have been used in the setting up an industries, and whatever the things are made, clothes, refrigerator, even the small things are manufactured and are produced in the factories or industries. So today we are going to continue with the chapter. So be ready with your textbook, page number 126. Ready? Okay. The first and the most important things we need at the time of setting up an industry is a raw material. सबसे पहली चीज जो हमें जरूर, अगर हमारे पास पैसा है, लेबर्स भी है, चलो सब कोई है हमारे पास, मशीनरी भी है, लेकिन अगर हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा तो हम प्रोड्यूस क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, है ना? तो सबसे पहली चीज कोई भी इंडस्ट्री के लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? रॉ मटेरियल. ओके, रॉ मटेरियल इज अ बेसिक कॉमोडिटी यूज टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट. बेसिक कॉमोडिटी, बेसिक चीज है जो एक प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर करने के लिए चाहिए. Raw materials such as cotton, sugar cane and wood are obtained from plants. Sugar cane, cotton and wood हमें कौन देता है? Plants देता है. Metals and minerals are extracted from the earth. Different different metals and minerals हमें कौन कहाँ से मिलते हैं? Earth में से, earth के crust में से. Raw materials such as wool, silk and leathers are obtained from animals. सिल्क है, वूल है, इवन कॉटन, ओके, और लेदर, सॉरी वूल, सिल्क एंड लेदर, वो तीनों हमें एनिमल्स देता है. वूल कौन देता है? शीप देता है. सिल्क वर्म हमें सिल्क देता है, और कोई भी एनिमल होता है, कोई भी टाइगर, लायर, उनकी जो स्किन होती है उससे वो हम लेदर बनाते हैं. ओके, यहाँ पे आपके बुक में एक पिक्चर दिया है, रॉ मटेरियल यूज इन लेदर, जो वो दिख रहा है वो लेदर है जो एनिमल की स्किन में से बनाया जाता है. ओके, सो दिस आर द डिफरेंट रॉ मटेरियल्स विच आर द नेचुरल रिसोर्सेज विच हैज बीन यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट. द सेकंड थिंग रिक्वायर्ड इज मशीन. मशीनरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सेटिंग अप एन इंडस्ट्री. अगर हमारे पास चलो रॉ मटेरियल भी आ गया तो कोई ऐसी चीज होती है जो हाथ से, हैंडमेड से बना सकते हैं, क्राफ्ट पर्सन हाथ से बनाते हैं, लेकिन ज्यादातर इंडस्ट्रीज में जो भी चीजें हमें प्रोड्यूस करनी है, मैन्युफैक्चर करनी है, उसके लिए हमें छोटे या बड़े मशीनरी चाहिए. शायद कोई किसी के पापा की भी फैक्ट्री होगी तो आपने देखे होंगे कि उसकी फैक्ट्रीज में हमेशा मशीनरीज होती है, या फिर कई किसी और की फैक्ट्रीज में देखी होगी आप लोगों ने कि कौन कौन सी डिफरेंट मशीनरीज हम यूज करते हैं. शायद आपने क्लोथ फैक्ट्री देखी हो तो उसमें देखा हो कि कितनी बड़ी बड़ी मशीन्स होती है जिसमें थ्रेड बनता है, फिर थ्रेड होता है वो वीव होता है और उसमें से एक फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके बाहर आता है. तो मशीनरी भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. मशीन्स कन्वर्ट रॉ मटेरियल इंटू फिनिश्ड प्रोडक्ट. फिनिश प्रोडक्ट मतलब जो प्रोडक्ट्स रेडी हो जाए सेल करने के लिए, उसको हम फिनिश प्रोडक्ट करते हैं. तो मशीन्स होते हैं जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं. दे रन ऑन पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सम कॉमन सोर्सेज ऑफ पावर आर थर्मल पावर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम कोल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर विच इज ऑब्टेन यूजिंग वाटर. मशीनरी किससे चलती है? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिसिटी से. अगर इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी तो मशीनरी भी बंद हो जाएगी. दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी हमें हमेशा मिलती है. एक होती है जो कोल से बनती है और दूसरी जो पावर होती है वो वाटर से बनती है. कोल से जो पावर बनती है उसको हम थर्मल पावर कहते हैं, और वाटर से जो बनती है उसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. ओके, दोनों इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. कोल भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है और वाटर भी करता है. कोल जो पावर प्रोड्यूस करता है उसको हम थर्मल पावर कहते हैं, और वाटर जो पावर प्रोड्यूस करता है उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट इज लेबर. मानसो अलग अलग काम माटे अलग अलग मानसो जो है,
So this workers are also as important as raw materials and machinery for the industries. The workers, managers, scientists, accountants and engineers who run our industries comprise labor. Labors कौन कौन होते हैं? Workers, right? जो machinery, labor मतलब workers जो machinery चलाते हैं, managers जो workers का ध्यान रखते हैं, scientists जो machinery बनाने में helpful होते हैं, accountants जो पूरे system का हिसाब किताब रखते हैं, engineers कि अगर machinery में कोई खराबी आ जाए तो उसको वो repair कर सकते हैं, उसको अच्छे बना सकते हैं, तो ये सारे लोग labors में आते हैं. They all are comprises into labor. ये सारे labor कहलाते हैं. उसके बाद क्या important चीज है एक industry को setup करने के लिए? पैसा. पैसे के बगैर कुछ होता है बेटा? कुछ नहीं होता, right? Finance is the money that is needed for setting up an industries, paying labor, buying raw materials, machines and so on. ऐसा क्यों चाहिए industries में हमें? सबसे पहले तो raw material खरीदने के लिए, उसके बाद machinery खरीदने के लिए, फिर हमारे सारे labors है उसको payment करने के लिए, उनको salary देने के लिए, और भी बहुत से छोटे मोटे काम के लिए पैसे चाहिए. पैसे के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना. तो पैसे इसके लिए, जिसके पास जितना पैसा होता है उस टाइप की इंडस्ट्री लगती है. अगर उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो बहुत ही बिग इंडस्ट्रीज लगाएंगे, सो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होगा. अगर उनके फाइनेंस कम है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या कॉटेज इंडस्ट्रीज करेंगे. लेकिन कोई भी काम के लिए उनको फाइनेंस की ज़रूरत होती है. देन ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट इज यूज फॉर मूविंग रॉ मटीरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. It is also used for carrying the finished product made in an industry to the different part of the country or the world. Raw material. सबसे पहले हमें transportation क्यों चाहिए? Raw materials लाने के लिए. For example, cotton. Cotton है जो पंजाब में या बहुत बहुत अच्छे से grow होता है, तो वहाँ से हमें गुजरात लाना है अगर, तो हमें transportation चाहिए. या फिर हमारा finished good. हमारे गुजरात की बांधनी बहुत ही फेमस होती है ना, तो बांधनी होती है वो फिनिश गुड है, वो जो कंप्लीट हो जाता है तो हर एक इंडिया के दूसरे पार्ट में भी भेजा जाता है. लेकिन वो कैसे भेजाते हैं? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन में वो लॉरी होती है, ट्रक्स होते हैं, मिनी बसेस होते हैं, किसी में भी वो लोग ट्रांसपोर्टेशन भेज सकते हैं. अंडरस्टूड दिस मच? सो विच आर द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल इज रॉ मटीरियल, मशीन्स, लेबर, फाइनेंस एंड ट्रांसपोर्ट. इतनी चीजें जरूरत होती है एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए. ओके आपकी बुक को, अगर आपकी बुक है ना तो आपको तो एक पेज नंबर 127 पे एक पिक्चर है जो है जमशेदजी नुसरवाजी टाटा का. वो ऐसा कहलाते हैं जिसे हम जमशेदजी टाटा कहते हैं, जो टाटा इंडस्ट्रीज के मेन है और वो फादर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज कहलाते हैं. आई होप यहाँ तक का चैप्टर आपको समझ में आ गया हो. इसके पहले जो मैंने वीडियो भेजा वो और आज. अगर इसमें कोई भी ऐसी बात है कि जो आपको ना समझ में आई हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. नेक्स्ट आगे इन द नेक्स्ट पीरियड आई विल कंटिन्यू विद द चैप्टर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.